Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha, Tasmai Shri Gurave Namaha. जब हम नमस्कार करते हैं तो वो हमारी जिम्मेदारी होती है, जिसको नमस्कार करते हैं उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। बहुत सरल बात है, क्योंकि नमस्कार करने वाले को उसका फल मिलेगा, जिसको नमस्कार किया जाता है उसको कुछ नहीं मिलता। तो जब हम गुरु को नमस्कार करते हैं, इसका तात्पर्य हम ये जिम्मेदारी स्वयं स्वीकार करते हैं कि जो हम सुन रहे हैं उसको जीवन में उतारने की जिम्मेदारी हमारी। देखो, ऐसा नहीं है कि बैठे हैं सत्संग में, महात्मा जी आप ट्राई करो, कितने आगे चले गए, हाँ बैठे हैं, ऐसे नहीं होता। क्योंकि गुरु शिष्य के रिश्ते में शिष्य की भूमिका महत्व की है, गुरु की नहीं। जैसे सूर्य सभी के लिए समान प्रकाश देता है और कोई अपने कमरे से बाहर निकले ही नहीं और कहे कि देखो जी मुझे तो सूर्य प्रकाश मिलता ही नहीं, तो निकलो ना बाहर। हम भी अपने छोटे से कूप मंडूक वृत्ति से छोटे दायरे में फंसे हुए, उससे बाहर निकलना माने अब हमने अध्यात्म के मार्ग पर प्रवेश कर लिया है। फिर साधक का जन्म होता है जब हम अपने अनाहत चक्र में पहुंच जाते हैं। कल हम गए थे कुंडलिनी के चक्कर में। अनाहत चक्र में पहुंच जाना माने नीचे के तीन चक्रों से ऊपर उठ जाना। नीचे का चक्र है मूलाधार, इस जगत का मूल आधार देहात्म भाव है। देहात्म भाव नहीं तो यह जागृत जगत की सत्ता नहीं, और जब देहात्म भाव है तभी स्वाधिष्ठान चक्र में कामना का उदय होता है, और ये कामना कभी पूरी होती नहीं तो हम मणिपुर चक्र में आके फंसते हैं, लोभ की प्रवृत्ति बढ़ती है। जब तक ये तीन नीचे के चक्रों से चक्कर नहीं छोड़ेंगे तब तक के हमने अनाहत चक्र में प्रवेश नहीं किया, और जो अनाहत चक्र में प्रवेश करता है वही साधक है, बाकी के संसार है। तो साधक वो है, इसकी स्वयं की जिम्मेदारी है, गुरु की कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखो महाराज, वेदांत के विचारों में गुरु आपको कुछ मदद नहीं करेगा, बहुत महत्व की बात है। श्रद्धा भक्ति ध्यान योगाद वही उपनिषद कहती है कि हम तुमको पढ़ा नहीं सकते, तुम सीखो। इसको लेकर के भगवान शंकराचार्य जी ने चार प्रकार के शिष्यों का वर्णन किया है। एक शिष्य वो है जिसको कहते हैं उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी माने एक ही बार सुना और सब कुछ कंप्लीट, नो लूज एंड्स। उसके पश्चात दूसरा है मध्यम अधिकारी। वो थोड़ा थोड़ा समझता है, थोड़ा थोड़ा नहीं समझता। तीसरा होता है अधम अधिकारी। उसके दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं, ट्रैफिक जाम, मेमोरी ब्लॉक्ड। और चौथा होता है अधमाधम, जो बताओ उसका उल्टा समझना, सीधा नहीं समझना। तो ये चार प्रकार के विद्यार्थियों में से जो उत्तम अधिकारी है वही रिस्पॉन्सिबल शिष्य है। दूसरी मतलब की बात, शिष्य और भक्त में फर्क होता है। शिष्य वो है जो स्वयं को बदलने के लिए गुरु के पास जाता है।
और स्वयं को बदलना माने अपने स्वभाव को त्याग करके अपने स्वरूप को प्रकट होने देना, ये है शिष्य की भूमिका। और भक्त कौन है? भक्त वो है जो गुरु के पास जाता है और गुरु को साधना करने को लगाता है। कैसी? अपनी ही बात मनवाएंगे। भगत लोग सुनते नहीं किसी की, अपनी बात मनवाते हैं। तो जब आपके अगल बगल में ज्यादा भगत हो तो समझ लेना आपकी साधना ठीक चल रही है, और शिष्य हो तो नहीं चल रही है। इस प्रकार से गुरु वंदन का तात्पर्य, हम स्वयं रिस्पॉन्सिबल है हमारे जीवन के लिए, अन्य कोई नहीं। इसीलिए भगवान कहते हैं वेदेश्च सर्वै अहमेव विद्या। तो जो हम सुखी दुखी हो रहे हैं, इस मैं का अनुसंधान करो ना। तो यहां 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में शास्त्रों का निचोड़ बताया गया है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टा, सबका हृदय, सबकी आत्मा, सबका एसेंस, सबका स्वरूप मैं हूं। कौन है ये मैं? देवकी पुत्र यशोदा नंदन। कौन है ये मैं? भगवान कहते हैं मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच। मेरे ही कारण ये चार अनुभूतियां संभव है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि। ध्यान से सुनना, ये चार अवस्थाएं आत्मा की नहीं है। देखो, जागृत अवस्था बुद्धि प्रधान होती है, उस दिन हमने आपको बताया था। स्वप्नावस्था मन प्रधान होती है, सुषुप्ति अवस्था अहंकार प्रधान होती है, और समाधि चित्त प्रधान होती है। इसीलिए जागृत अवस्था में लॉजिक बहुत चलता है, स्वप्नावस्था में कमोशन होता है मन की स्थिति, सुषुप्ति अवस्था में मन बुद्धि दोनों सो गए, वहां केवल अहंकार तत्व जगता है। यहां अहंकार का तात्पर्य ईगो नहीं है, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अंतकरण चतुष्टय तत्व है, जो लिंग देह के 8 भागों में से एक भाग यह अहंकार है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। तो ये जो अहंकार है, इसी के कारण इस सुषुप्ति अवस्था में हमारा जीवन चलते रहता है। डाइजेशन चल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, बाल उगते हैं, नाखून बढ़ते हैं, ये इस अहंकार की देन है। और समाधि में हम चित्त प्रधान होते हैं। चित्त माने हमारे स्मृतियों का भंडार, उसको चित्त कहते हैं। इसलिए जो व्यक्ति समाधि में जाएगा और समाधि के जाने के पहले जो उसका अंतिम विचार था, वृत्ति थी, उसी को लेकर के फिर जगेगा। तो ये चारों अवस्थाएं आत्मा की नहीं है। ये जो हमने आपको उदाहरण से समझाया, आत्मा के जगह में आदमी को रख लो, और चार अवस्था हो गई, पुत्र, पति, पिता और सन इन लॉ, चार हो गए। तो ये एक आदमी चार उपाधियों से में प्रकट हो रहा है, तो सुखी दुखी होने वाला आदमी कभी नहीं होता। यह जो औपाधिक अभिव्यक्तियां है वहां सुख दुख होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं वेदैश्च सर्वै अहमेव विद्या। तो ये जो मैं इन सभी अवस्थाओं का आधार हूं, सभी वेदों से सर्वै ही वेद ही अहमेव विद्या, सभी शास्त्रों का निचोड़ तात्पर्य केवल इसी में है कि यह जो मैं है अहम विद्या, यह ही जानने योग्य है। अन्य कोई चीज की जानने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सभी का सभी, यह संसार का पहाड़ इस मय पर आधारित है। ऊर्ध्व मूलमदशाकम अश्वत्थम प्रावरव्ययम, सबका सब इस मय पर आधारित है, और इस मय को ही हम नहीं जानते। इसलिए भगवान कहते हैं
कि सर्वै ही वेदहि अहमेव वेद्यः। तो जहाँ हमने यह स्वीकार कर लिया उसी क्षण से अब हम अंतर्मुखी हो गए। ये अप्रोच भगवान रमण महर्षि ने सीधा सीधा किया, इधर घूमना घामना कुछ नहीं। एक सज्जन उनके पास पहुंच गए और बोल रहे थे कि महाराज जी हमको बहुत समस्याएं हैं, कुछ बताइए हम इस समस्याओं में से कैसे हटे। उन्होंने पूछा तुम कौन हो? बोले मैं ऑस्ट्रेलियन हूँ। बोले मैंने आपको आपके नेशनलिटी नहीं पूछी। आप कौन हो? मैं डॉक्टर मैकडोनाल्ड हूँ। मैंने आपको क्वालिफिकेशन नहीं पूछा। आप कौन हो? मैं कैथोलिक हूँ। मैंने आपका धर्म नहीं पूछा। देखो जो दुखी होते हैं वो होते ही नहीं, अब उनको आप कैसे ठीक करोगे? देखो संतो, इन सब का जो आधार है, इसीलिए तत्व को जानना है तो एक सिंपल रूल ये है, जो किसी का विरोधी नहीं है वह परमात्मा है। और इसको समझने के लिए कुछ करना नहीं है, केवल पहचानना है। इसी इसमें कहेंगे एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ये केवल अपने को पहचानना है, न कर्मणा न प्रजया धनेन, यह किसी कर्म का फल नहीं है। कई लोगों के मन में ये भ्रांति होती है, पता नहीं महाराज हमारे पुण्य कर्म ऊपर आ गए और आपका दर्शन हो गया। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। कर्म का फल केवल सुख दुख होता है। साधु संतों का सत्संग का अपने जीवन में अवतरण होना यह ईश्वर का अनुग्रह होता है। देखो अहेतुक दया सिंधु, इसलिए ये कर्म के चक्कर से बचे, बहुत हो गया कर्म कर्म, अब अपने आप को स्वरूप के चिंतन में लगा ले। तो कहते हैं वेदेश सर्वै अहमेव वेद्यः वेदांत कृत। और जो भी वेदांत के तत्व को प्रकट करने वाला है उन सब को प्रकट करने वाला भी मैं ही हूं। ध्यान से सुनना, हमारे वेदों को शास्त्रों को अपौरुषेय कहा है। अपौरुषेय माने हमारे बुद्धि की उपज नहीं है। हमारे स्वामी खंडाल जी महाराज की बात बताए, कानपुर में एक जेके का बड़ा मंदिर है, बड़ा सुंदर मंदिर है, बाहर में एक बड़ी कमान है और जेके की जो माँ थी वो स्वामी महाराज को पुत्रवत मानती थी। तो वहां उस पर क्या लिखना है महाराज बताइए, तो उन्होंने कहा कि कल बताऊंगा आज नहीं। बोले ठीक है कल बताना। सुबह जब वो उठे तो उन्होंने उनके शिष्यों को कहा भाई लिख लो। उन्होंने एक श्लोक बताया और बताने के बाद शिष्य कहते महाराज जी इसका रेफरेंस क्या है? बोले मुझे नहीं मालूम, ये कहाँ से आए ये भी मुझे मालूम नहीं। ये श्लोक जैसा मैं तुमको देख रहा हूं वैसा मुझे कल रात को दिखा, वही मैंने तुमको बताया। और फिर उन्होंने कहा यह जो संस्कृत इसमें है यह संस्कृत अर्वाचीन नहीं है, यह वेदों के समय की है। इसीलिए ऋषि की परिभाषा आती है ऋषयः मंत्र दष्टारः। तो यह जो ज्ञान है वेदों का ये मनुष्य की बुद्धि की उपज नहीं है। यह ज्ञान उपलब्ध उन्हीं को होता है जो उसके अधिकारी है। और इसीलिए कोई भी वेद ले लो उपनिषद ले लो उनके जो मंत्र है कोई भी ये नहीं लिखता नीचे कि ऑल कॉपीराइट रिजर्व्ड बाय अमुक एंड अमुक। नो, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। देखो तो इस तत्व को प्रकट करने वाला भी मैं ही हूं, वेदांत कृत वेदविद। और इसको जानने वाला मेरे से अन्य थोड़ी है। हमने प्रातः काल के सत्संग में देखा आत्मज्ञान अनात्म भाव से नहीं हो सकता। आत्मज्ञान में अनात्म भाव का अभाव होता है।
जिस ज्ञान में अनात्म भाव प्रकट होता है वह मानसिक प्रत्यय मात्र है। देखो, जानना और होना जहां एक है वह अपने स्वरूप का अनुभव है। इसीलिए वेदांत कृत वेद विद च अहम, तो यही एक मैं है, इसी में यह मानसिक त्रिपुटियां निर्माण हो गई और इन सब का आधार एक तत्व है। इस एक मैं को जानना यही पूरे शास्त्रों का निचोड़ है। यदि हम इसको नहीं जाना, बाकी कुछ भी किया तो उल्टे घड़े में पानी के जैसा होगा। इसीलिए उपनिषद में आता है, नानुध्यायान बहुन शब्दान वाचो विग्लापनम हितर। अब बहुत हो गया, बहुत हो गया, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। उपनिषद में कहानी आती है, एक बार नारद जी आ रहे थे और बड़े फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे थे, तो उनके गुरु, उनके बड़े भाई, ये जो चार है सनत कुमार इत्यादि, उन्होंने पूछा, नारद जी क्या हो गया, ऐसे उखड़े उखड़े लग रहे हो, क्या तुमने अध्ययन नहीं किया, अज्ञानी के जैसे दुखी हो रहे हो। बोले, नहीं जी, मैंने तो 64 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन फिर भी पता नहीं मन में कृतकृत्यता नहीं प्रकट हुई। ध्यान से सुनना, जब तक के हमारे अंतकरण में कृतकृत्यता का अनुभव नहीं होता, तब तक के अभी हम बेक बेदुनी चार इसी में भटक रहे। कृतकृत्यता किसको कहते हैं? देर आर नो लूज एंड्स इन लाइफ, अब कुछ बाकी नहीं है, ये करना बाकी, वो कुछ भी बाकी नहीं। और यदि मौत आती है तो मौत को डांटते हैं, लेट क्यों किया, मैं कब से वेट कर रहा था। डरते नहीं। देखो, एक आपको बात बताए, दो बड़े महात्मा निसर्गदत्त महाराज और रमण महर्षि, इन दोनों के जीवन में एक अनुभव आने के पश्चात पूरा आमूलाग्र परिवर्तन हो गया। वह बहुत सूक्ष्म साधना है, और वो साधना क्या है, आप बेड पर लेट जाओ, हाँ ये तो बढ़िया साधना है, आगे सुनो, और अपने मौत का खेल करो, खेलो, मैं मर गया तो क्या होगा, क्या होगा मरने से, कैसा होता है अनुभव, तो देह पड़ा है, हमको उससे कुछ लेना देना है नहीं, राइगर मॉर्टिस सेट हो गया, एकदम लकड़ी के जैसा कड़क हो गया है, और हम देख रहे हैं। तब जाकर के सूक्ष्मता से मैं कौन हूं यह अनुसंधान संभव है। देखो, इसीलिए सबसे पहली महत्व की आध्यात्मिक साधना, बाकी आप कुछ करो करो कोई फर्क नहीं, यही है कि देहात्म भाव से निवृत्ति हो रही कि नहीं हो रही। तब आपको पता चलेगा कि हम किसी के विरोधी नहीं है, देह है तो उसको आधार दे रहे हैं, देह नष्ट हो गया तो उसके अभाव को आधार दे रहे हैं। जो भाव और अभाव इन दोनों को आधार देता है वो भावा भाव के परे होता है। देखो, ये अपना स्वरूप है। इस स्वरूप का अर्थ क्या हो गया फिर, जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, जड़ चेतन, चेतना माने सेंशियंट लिविंग बींग एनिमेट, और जड़ माने इनर्ट। तो यह जो सजीव और निर्जीव जगत है, इन दोनों का एक ही आधार है, इसमें दो पना उपाधियों के कारण आया है। देखो, एक उपाधि पत्थर की है जिसमें परमात्मा केवल सत्ता रूप से प्रकट हो सकता है, दूसरी उपाधि पेड़ पौधों की है,
उसमें परमात्मा सत्ता और जीवन के रूप में प्रकट हो सकता है। तीसरी उपाधि प्राणियों की है, उसमें परमात्मा सत्ता जीवन और ज्ञान के रूप में प्रकट होता है। चौथी उपाधि मनुष्य की है, उसमें परमात्मा सत्ता जीवन ज्ञान और आनंद के रूप में प्रकट होता है। तो ये जो भेद है, ये भेद परमात्मा में नहीं है, ये भेद उपाधियों के कारण है। जैसे एक ही बिजली बल्ब की उपाधि है तो प्रकाश आएगा, फैन की उपाधि है तो गति आएगी, हीटर की उपाधि है तो गर्मी होगी। तो हम ये कहेंगे ये गर्म बिजली है और वो ठंडी बिजली है, नहीं। देखो संतो, इसका अर्थ क्या निकला, जो निर्विरोध सत्ता है वही अपना स्वरूप है। अब देखो कैसा, जागृत पुरुष अपने जागृत जगत को आकर के जागृत अनुभूतियों को लेकर के आके चला जाता है, हम ज्यों के त्यों। स्वप्न पुरुष अपने सपनों के खेल खेलता है, निकल जाता है, हम ज्यों के त्यों। जागृत स्वप्न के कारण हम में कुछ एडिशन नहीं होती, सुषुप्ति और समाधि में हमसे कुछ घटता नहीं, जिसमें जोड़ और घटा नहीं होता, वो केवल अनंत हो सकता है। इन्फिनिट प्लस माइनस एनीथिंग इज इक्वल टू इन्फिनिट। देखो जब ये अनुभूति होगी तो एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, अब कृतकृत्यता आ गई। देखो महाराज, यही सभी शास्त्रों का निचोड़ है। बाकी जितनी भी चीजें होती है ना, ये होती है, होती नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन ये केवल प्रकृति में है। देखो, और जहां सिद्धियां प्रकट होती है और उसका उपयोग किया जाता है, वहां सीधा सीधा द्वैत को सत्य मानने के बाद ही हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। हम एक बार, ये जो होते हैं ना अघोरी महात्मा लोग, काले कपड़े पहनते, सब कुछ खाते पीते हैं, हम उनके बीच में थे और उनका रात को चलती है साधना, सामने अग्नि जल रही थी और सब अपने बढ़िया पी लिए, गांजा पी रहे, क्या पी रहे हैं, और लेकर के गाना नाच रहे, हम बैठे थे। उसमें से जो बुढ़ाऊ थे सबसे, वो हमको 8 घंटे के बाद कहते, महाराज, हमको महाराज कह रहे, महाराज आपकी बैठक बड़ी पक्की है। मैंने क्यों, मैंने मैं देख रहा हूं आप पर किसी का प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, हम लोग गा रहे नाच रहे आप ऐसे बैठे हैं कि जैसे कोई मुर्दा बैठा है। हमने कहा मुर्दे तो है ही, जहां संन्यास ले लिया मुर्दा हो गए। देखो, और फिर उन्होंने कहानी बताई, बोले एक बार की बात है, मैं कहीं था, फिर बोले उस समय मैं जवान था, ऐसे ही बैठा हुआ था किसी जंगल में, 2-4 लोग आ गए थे हमारे जैसे ही, उतने में एक दूसरे सज्जन आए, हाथ में त्रिशूल लेकर के और हड्डियों की माला और हाथ में वो कपाल लेकर के आए थे। जैसे वो आ गए सब उठ गए, मैं नहीं उठा। जब मैं नहीं उठा तो उनको बड़ा गुस्सा आया। देखो, योगियों को तपस्वियों को गुस्सा यूं आ जाता है, बहुत गुस्सा आया, ये कौन है बदतमीज बैठा है मेरे सामने, दिखाता हूं इसको, और जाकर के बोले मेरी गोद में आके बैठे। और गोद में बैठने के बाद उन्होंने पृथ्वी की धारणा करी, उसके कारण उनका वजन इतना बढ़ने लग गया कि उस वजन के नीचे कुछ भी रखो एकदम चकनाचूर हो जाएगा। तो मैंने वहीं बैठे बैठे आकाश की धारणा करी, तो आकाश पर पृथ्वी का कोई प्रभाव नहीं, तो मुझे कुछ हुआ ही नहीं। तो बोले उठ गए और कहते हैं तुम मेरे से श्रेष्ठ हो, और चले गए।
देखो जहाँ तारतम्य होता है, जहाँ श्रेष्ठ कनिष्ठ होता है, जहाँ बड़ा छोटा होता है, ये सब का सब मानसिक व्यापार है। देखो सब तो इसीलिए मैं आपको पहले दिन बताया आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य अपने में विशेषता निर्माण नहीं करना, सभी विशेषताओं का पूर्ण रूप से त्याग हो जाए। अभी क्या हमें कम विशेषता है? मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं इस गोत्र का, मैं उस गोत्र का, मैंने ये किया, मैंने वो किया। एक और, मैं स्पिरिचुअल हूं, एक और सर के ऊपर मैं टोपी लगा ली। देखो संतो, अध्यात्म माने सभी विशेषताओं का निराकरण। सपने में हमको लॉटरी मिली 1,000 करोड़ डॉलर की, तो जागृत में आकर के हम डिंग हाँकेंगे क्या? मालूम है इतनी बड़ी लॉटरी लगी थी। देखो यह आध्यात्म है, इस मय को पहचानना है। वेदश्च सर्वै अहमेव विद्या, ये असली मय है, और बाकी के जो मय है वो मैं करने वाले है, उन्हीं का बकरी, उनका बकरा चढ़ता है, बलि चढ़ता है। अच्छा महाराज, अब इस मय को कैसे समझे, कैसे पहचाने? अब भगवान इस मय का निर्णय देते, कौन है ये मय जिसको हमको पहचानना है आत्म रूप से? द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो क्षर उच्यते। द्वौ इमो पुरुषो लोके, हरेक लोक का तात्पर्य अनुभूति होती है, स्वर्गलोक नरक लोक। लोक माने कोई स्थान विशेष नहीं होता, कोई काल विशेष नहीं होता, कोई वस्तु विशेष नहीं होता, कोई परिस्थिति विशेष नहीं होता। तो हरेक अनुभूति में दो लोग होते हैं, दो पुरुष होते हैं, दो इमो पुरुष अवलोके, दो पुरुष होते हैं। कौन से? क्षरश्च अक्षर एवच, क्षर और दूसरा अक्षर। अच्छा आगे, क्षर सर्वाणि भूतानि, क्षर पुरुष वो है जिसमें नित्य सभी के भूत मात्र उसी में आ जाते, क्षर सभी उसमें आ गए। और अक्षर कूटस्थ उच्चते, कूटस्थ माने कूटवत तिष्ठति, जो सभी परिवर्तनों को आधार देते हुए भी स्वयं में परिवर्तन नहीं होने देता, उसको कूटस्थ कहते हैं। जैसे लोहार के पास वो आयरन होती है, उस आयरन पर दूसरे लोहे के टुकड़े को गर्म करके उसको ठोको, उसका आकार बदलो, लेकिन आयरन ज्यों की त्यों है, उसको कूट कहते हैं। कूटस्थ माने हर एक के जीवन में दो बातें हैं, एक क्या है आगे कहते हैं, एक क्षर सर्वाणि भूतानि, एक परिवर्तनशील भाग है हम में, और दूसरा अपरिवर्तनशील भाग है। अब देखो अपने आप में, क्योंकि बाहर की कहानी नहीं है। क्षर पुरुष क्या है? हमारे पांचों के पांचों जो कोश है ये क्षर पुरुष में आ जाते हैं, नित्य निरंतर परिवर्तनशील। लेकिन हम उसके साथ तादात्म्य करके बैठते हैं तो दुखी होते हैं। उदाहरण के लिए, एक बार अमेरिका में हम थे, तो एक सज्जन वहां आए अपनी लड़की के पास, बूढ़ा थे, और वो लड़की से, वो डॉक्टरनी थी, सभी प्रकार के डॉक्टरों से दिखा करके सब रिपोर्ट लिए, उनको तसल्ली नहीं हुई। तो उस लड़की ने मुझे कहा कि स्वामी जी मेरे पिताजी आए हैं, सब उनको दिखा दिया लेकिन वो तसल्ली नहीं हुई, क्या करूँ समझ नहीं आता, वो बड़े दुखी है। हमने कहा मुझे खाने को बुलाओ, सब ठीक हो जाएगा। तो हम खाने के लिए गए, उनको खाना खुना खा लिया। पहले हम खाना खा लेते हैं, बाद में पता नहीं मिलेगा ना मिलेगा, काम की बात पहले कर रहे थे। हमने खा लिया, फिर हमने कहा पापा बैठो, बैठ गए। हमने कहा ये बताओ, जब आप
जवान थे उस समय कितने लड्डू खा सकते थे, जैसे उनको हमने उनकी जवानी की याद दी, एकदम जोश आ गया। उस समय तो मैं 25 लड्डू यूं खा जाता था। बहुत बढ़िया। उस समय आप कितना दौड़ते थे? बोले आपको ये सब कैसे पता है कि मैं पहले जवान था तब एक्सरसाइज करता था। मैंने वो चक्कर छोड़ो, बोले मैं 20-25 मील तो यूं दौड़ जाता था। बहुत बढ़िया बात है। वजन कितना उठा सकते थे? वजन 25-30 किलो तो आराम से ऊपर नीचे हो जाता था। बहुत बढ़िया। अब कितना कर पाते हो? अब कितने लड्डू खाते हो? बोले लड्डू देखने से मेरा पेट गड़बड़ करता है, खाने की जरूरत ही नहीं। पहले ठीक से सुनते थे? बिल्कुल। अभी कान में फोन लगा तो भी नहीं सुनने को आ रहा। बहुत बढ़िया। तात्पर्य क्या निकला? जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, एक एक इंद्रिय की शक्ति खत्म हो रही है ना। हाँ, इसी प्रकार से स्मृति, मेमोरी, वो भी हमारा इंद्रिय है। जैसे सभी इंद्रियों की शक्ति खत्म होती है बुढ़ापे में, उसी प्रकार से मेमोरी भी इंद्रिय है, उसकी भी शक्ति खत्म होती है। और इसीलिए आपको याद नहीं रहता, तो इसमें दुखी होने की क्या बात है? आप तो ज्यों के त्यों है ना। पहले आप 25 किलो उठा सकते थे, अब 25 ग्राम नहीं उठा सकते, दुख होता है कि आपको? पहले 25 लड्डू खाते थे, अब 5 दाने नहीं खा सकते लड्डू के, तो दुख होता है? उसी प्रकार से मेमोरी या स्मृति पहले थी अब नहीं है। ये तो धर्म है प्रकृति का, क्षर सर्वाणी भूतानि, ये नित्य निरंतर परिवर्तन, यही अपने जीवन का एक अपरिवर्तनशील सिद्धांत है। लेकिन उसी में, लेकिन मुझे याद क्यों नहीं रहता? हमने कहा पापा सुनो आप झूठ बोल रहे हो। बोले कैसे? आपको याद नहीं रहता, ये कैसे याद है? ये भी भूल जाओ ना कि याद नहीं रहता। देखो संतो, क्षर सर्वाणि भूतानि, एक भाग है हमारे जीवन का परिवर्तनशील, दूसरा है अक्षर, कूटस्थ उच्चते। अब ध्यान से सुनना, देखने के लिए ऐसा लगता है कि यहां दो की बात हो रही है, बात दो की नहीं हो रही है। जैसे मुंडकोपनिषद में एक मंत्र आता है इसी प्रकार का, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशश्व जाते तयो अन्यहा पिप्पलम स्वादुमत्ति अनश्नन अन्यहा अभिचाकशीति। ये मंत्र है। जैसे यहां दो इमो पुरुषों कहा है, वहां वही शब्द का प्रयोग है। दो पुरुष है एक ही पेड़ पर और दोनों एक जैसे है, उसमें से एक जो है पक्षी वो उस पेड़ के फल खाता है और जब मीठा लगा तो कूदता है हा हा, और खट्टा लगा तो रोता है हु हु। और दूसरा जो पक्षी है अनश्नन अन्यहा अभिचाकशीति, और दूसरा जो पक्षी है बिल्कुल एक भी फल नहीं चखता और अपने में मस्ती में रहता है। अब इस मंत्र का अर्थ ऊपर ऊपर से पुस्तक लेकर के पढ़ो तो क्या समझ में आएगा? अच्छा, दो पक्षी है, एक है ईश्वर दूसरा है जीव। अच्छा ठीक है, तो जीव दुखी होता है और ईश्वर दुखी नहीं होता। जीव सुख दुख के फल चखता है, ईश्वर नहीं, ये इसका अर्थ नहीं है। देखो, आदमी और पति क्या दो है? एक ही आदमी पत्नी की उपाधि से पति कहां जाता है, इसके कारण वो दो नहीं बना। उसी प्रकार से एक ही तत्व उपाधि बनकर के क्षर पुरुष कहा जाता है, और वही तत्व उपाधि को धारण करने वाला होकर के उसको अक्षर पुरुष कहा जाता है। यहां दो की बात नहीं हो रही है, एक ही तत्व उपाधि और उपाधेय दोनों को मिलाकर के मानो दो हो गया है, लेकिन है एक ही। सातवें अध्याय में भगवान ने इसका प्रारंभ किया था। वहां कहते हैं, मत्तहा परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि स्रोतमिदं
मयि प्रोतमिदं सर्वं सूत्रे मणिगणा इव। हे अर्जुन मत्तहा परतरम, मेरा कोई कारण नहीं है। मत्तहा अन्यत, मेरे से अन्य कोई नहीं है। मत्तहा किंचित, मेरा कोई कार्य नहीं है। यह जो कार्य कारण के परे जिसमें अन्य का अभाव है, ऐसा मैं हूं। और उसका उदाहरण देते हैं सूत्रे मणिगणा इव, कैसे सोने के धागे में सोने के मणियों को पेर करके जैसी हम एक माला बना लेते हैं तो उसमें सोना ही आधार बना और सोना ही आधेय बना। एक को धागा कहा, दूसरे को हमने मणि कहा, तो क्या हम दो की बात कर रहे हैं? देखो संतो, एक ही तत्व, उपाधि कहो तो क्षर पुरुष है, और जिस पर उपाधि लादी गई है तो अक्षर पुरुष है। फिर इसका सिद्धांत यही है ना, मैटर कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड। बड़ी सिंपल बात है। तो अब ये दो हो गए, क्षर और अक्षर पुरुष। अब हमारी समझ क्या होगी, हम सब में क्षर पुरुष बाहर के पंचकोश ये अलग अलग है। इसीलिए जो कूटस्थ अक्षर पुरुष है वो भी अलग अलग होगा। 13वें अध्याय में यही तो बात कही महत्व की, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र वित्त विधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। यह जिसको क्षेत्र कहा 13वें अध्याय में, इसी को 15वें अध्याय में कहते हैं यह क्षर पुरुष है। और जिसको वहां क्षेत्रज्ञ कहा, यहां इसको कूटस्थ कहा है। फिर हमको क्या लगता है कि जितने शरीर उतने आत्मा, उसी को हमने जीव कह दिया। लेकिन उसके बाद का जो श्लोक है भगवान कृष्ण का, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, हे अर्जुन सभी में मैं ही प्रकट हो रहा हूं। अब देखो क्या क्या बातें हो गई, क्षेत्र की उपाधि, सब में प्रकट होने वाला मैं, और मेरा प्राकट्य क्षेत्रज्ञ, तीन बातें हो गई। अपना चेहरा परमात्मा, दर्पण उपाधि, उस दर्पण में अपना प्रतिबिंब कूटस्थ। तो क्या हम ये कहेंगे हर दर्पण में अलग अलग प्रतिबिंब होता है? प्रतिबिंब एक ही है, नहीं तो आपके सामने 10 दर्पण रखे हैं, 10 प्रतिबिंब पड़े तो आप पर बोझा होगा, यार इतने मत लगाओ दर्पण, बड़ा भारी लग रहा। नहीं, ना तो दर्पण पर कोई प्रभाव है, चाहे एक आदमी का प्रतिबिंब हो दर्पण पर, चाहे हजार आदमी का हो, उसका बोझा नहीं होता। कारण क्या है, वो दिखता है लेकिन होता नहीं। इसी प्रकार से यह जो जीव है, यह जीव भाव है, जीवत्वम प्राण धारणा, इसीलिए हम बताते थे कि जीव नहीं जीवन, वी आर लाइफ नॉट इंडिविजुअल, हम लोग अभिव्यक्ति है, व्यक्ति नहीं है। देखो जब तक के व्यक्ति मान के रहेंगे तभी तक के द्वैत की, भेद की भावना होगी। हम श्रेष्ठ, हम कनिष्ठ, हम अच्छे, हम बुरे, इसी में पूरा जीवन चला जाएगा। इसीलिए यहां कहते हैं दो इमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एवच क्षर सर्वाणी भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। उसके बाद उत्तम पुरुषः तु अन्यः परमात्मा इति उदाहृतः। अब देखो उत्तम पुरुष आ गया, एक हो गया क्षर पुरुष जिसको हम कहेंगे प्रथम पुरुष, दूसरा हो गया अक्षर पुरुष उसको हम कहेंगे मध्यम पुरुष, और तीसरा हो गया उत्तम पुरुष जिसको कहेंगे परमात्मा। देखो यही तीनों को भिन्न शब्दों में कहा है। जो परमात्मा है वो आदमी है, जो क्षर पुरुष है वो पत्नी है, उसमें जो प्रतिबिंब है पत्नी में जो पति है वो है अक्षर कूटस्थ। अब देखो यदि पत्नी मर गई
तो पति को कुछ नहीं होता, इसीलिए नहीं होता क्योंकि पति नाम की कोई वस्तु हो तब ना। देखो संतो, इस तत्व को ग्रहण कर लो, देखो जीवन में मौज ही मौज है। फिर ना उद्धव का लेना ना माधव को देना। यहां भगवान कहते हैं उत्तम पुरुषः तु अन्या परमात्मा इति उदारतः। तो यही क्या करता है, यहां लोकत्रय आविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वरः। यही जो परमात्मा है ये अव्यय है, इसको कभी खर्चा नहीं किया जाता क्योंकि अनंत है, ईश्वर है, ये स्वयं प्रशासन युक्त है, इस पर किसी का प्रशासन नहीं चलता। देखो योग की भाषा में कहेंगे इनकी, इस परमात्मा की यह स्वतंत्र शक्ति है, इच्छा शक्ति है, क्रिया शक्ति है, ज्ञान शक्ति है। जैसे गन्ने को कभी डायबिटीज नहीं होता, उसी प्रकार से जैसे दाहिका शक्ति अग्नि को जला नहीं सकती, वैसे ही यह परमात्मा की माया जिसको कहते हैं, माया माने भी बुरी नहीं है, माया अपनी शक्ति को कहते हैं, ये माया प्रभु पर कोई प्रभाव नहीं डालती। देखो तो यह जो उत्तम पुरुष है यह परमात्मा है, और जो कूटस्थ है ये हमने जीवात्मा कहा है, और जो क्षर पुरुष है यह जगत है। तीन बातें हो गई, जीव जगत ईश्वर, इन तीनों का आधार है यह परमात्मा। मांडुक्य उपनिषद की भाषा में कहे तो ये हो गए जागृत स्वप्न सुषुप्ति अ उ म, और ये तीन अवस्थाओं का जो आधार है अमात्रा जिसको तुरीय कहते हैं, इन सब का तात्पर्य एक ही है। देखो उत्तम पुरुषः तु अन्या परमात्मा इति उदारतः यो लोकत्रयमाविश्य विवर्ति। और यही ये तीनों लोगों का आधार है। तीन कौन से लोग हो गए, जागृत लोग, स्वप्न लोग, सुषुप्ति लोग, और चकारात समाधि, समाधि लोग। ये सब का यही एक आधार है, यही विवर्ति, यही इसका भरण पोषण करता है। देखो संतो, और बड़ी मजे की बात यह है, एक बार बिरबल और अकबर की बात हमने पढ़ी कहीं, तो अकबर ने पूछा बिरबल को कि तुम्हारा भगवान बड़ा है कि मैं बड़ा हूं। तो बिरबल ने कहा जहां पना आप बड़े हैं। बोले मुझे मालूम है आप ऐसे ही कहोगे, कैसे मैं बड़ा हूं तुम्हारे भगवान से। बोले जब आपको गुस्सा आता है तो आप उसको अपने देश से निकाल सकते हो, भगवान अपने देश से किसी को नहीं निकाल सकता क्योंकि वो कहां नहीं है, बड़े तो तुम हो। देखो परमात्मा कहीं आता जाता नहीं, ऐसे नहीं कि मरने के बाद स्वर्ग जाना है, कुछ नहीं कहीं जाना है, जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। खामो खाम दुखी हो करके महाराज जी मरने के बाद क्या होगा, लोग खुशियां मनाएंगे, ये समझ लो। हमारे आने के पहले इस दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं थी, हम जाएंगे तो किसी चीज की कमी नहीं होगी, तो हमारे होने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। सी? लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा करता नीति मन्यते, हमको लगता मैंने ये किया मैंने वो किया। देखो ये तो प्रभु की लीला चल रही है, इसको नचाता है उसको नचाता है, और वो ऊपर से मौज देख रहा है और हम दुखी हो रहे हैं। ये ज्ञान मुझे एक जगह भी हुआ, किसी लेबोरेटरी में मुझे ले गए थे कुछ दिखाने के लिए, वैक्सीन कैसा तैयार करते हैं। तो जब हम गए तो एक बड़े एसी के कमरे में ले गए, वहां बहुत सारे छोटे छोटे पिंजड़े थे और उसमें चूहे रखे हुए थे, सफेद सफेद अंग्रेज चूहे, और बताया था कि ये सभी चूहे जो है एक प्रकार के, जिसको कहते हैं इनब्रेड लाइन्स, ये सब चूहे ऐसे हैं,
और फिर कहते हैं कि देखो हमने जो वैक्सीन बनाया ना एक्सपेरिमेंट के लिए, इन चूहों को इतना डोज दिया, इसको इतना डोज दिया, इसको इतना डोज दिया, हमारे पास पूरे रिकॉर्ड होते हैं और फिर हम उसका मॉनिटर करते हैं कि उनके क्या क्या ऑब्जर्वेशन है। तो रोज़ हम आकर के देखते हैं केज नंबर वन इसका कैसे ऑब्जर्वेशन है, क्या कर रहा है, सो रहा है कि जग रहा है, कि एक्साइट हो गया है, कि दूसरे को झगड़ा कर रहा है, ऐसा हम पूरा ऑब्जर्वेशन करते हैं और फिर निर्णय लेते हैं कि ये दवाई किस काम की है। हमने कहा कि आहा हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया, बोले कैसे, कन्हैया लाल वही कर रहा है, ऊपर से सफ़ेद काले पीले ब्राउन उनको भिन्न भिन्न केजों में रखा है और ऊपर से एक एक वायरस का वैक्सीन दे रहा है, देख रहा है, अच्छा यहाँ झगड़ा हो रहा है, अच्छा दिखता है, अच्छा वहाँ देखते क्या हो रहा है, वो ऑब्जर्वेशन ले रहा है और ये चूहे उस कमरे में तू तू मैं तू तू कर रहा है, किसी का किसी पर कंट्रोल नहीं, कंट्रोल करने वाला ऊपर से देख रहा है। महाराज हमारी स्थिति उस चूहों की जैसी है, देखो इसे निकल जाना है। एक ही बात समझो, हम ये ईश्वर के अनंत थिएटर में आ गए हैं और हम ऑडियंस नहीं है, हम एक्टर है। अब एक्टर का जीवन देखो, एक्टर कौन होता है, उसको कब प्रवेश करना है ये उसके हाथ में नहीं होता, वो डायरेक्टर बताता है अब तुम जाओ, गया। फिर वहां जाने के बाद क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये भी वो डायरेक्टर बोलता है और उसके बाद जब उसको निकलना है कि तुम निकल जाओ, उस समय एक्टर कहे नहीं मुझे थोड़ी देर और खड़ा रहना है, अलाउड है, निकल जाओ निकल जाओ, निकल गए। क्या ये हमारा जीवन ऐसा नहीं है? हम जब इस दुनिया में आए, किसी ने पूछा था माफ करना आप भोपाल में पैदा होंगे, जाओगे? यहां तो धक्का मार दिया, फदक से गिर गए, पता भी नहीं कहां से गिरे। और फिर बड़े हो रहे हैं, ध्यान से सुनो, हमने अपने पुरुषार्थ से आज तक कुछ नहीं किया, जो कुछ हो रहा है हो रहा है, लेकिन अहंकार ऐसा कि मैंने ये किया मैंने वो किया। और एक दिन जब यहां से जाने की बात आती है, पूछते हैं कि हमको माफ करना आपका ट्रांसफर हो गया, गधे के शरीर में जाओगे? बिल्कुल नहीं। तो हमारा ही जगत में आना, यहां रहना, यहां से निकल जाना, सबका सब किसी और के हाथ में है और हमको लगता हम ये करेंगे वो करेंगे। राम कहो, देखो संतो, जैसे जैसे ये दृष्टि को लो आप मौज में रहोगे। मौज में रहना माने हाँ हाँ वो नहीं करना, बिना परेशानी से रहना, लिविंग एट जीरो कंप्लेन लेवल, ना किसी से शिकवा है ना किसी से गिला है, देखो तब जीवन का आनंद। ये भगवत गीता का ज्ञान हृदय में उतरा। तो कहते हैं उत्तम पुरुषः तु अन्यः परमात्मा इति उदारतः। अब देखो दूसरी दृष्टि समझ लो, हम ये जगत में आए हैं केवल वैकेशन के लिए, ये अपना स्थान नहीं है। जैसे हम आपके भोपाल में आए, हमको क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कल सुबह की फ्लाइट से हम यहां से केरला चले जाएंगे, तो हम 8 दिन तक हमारे होस्ट और होस्टेल के घर में रहे, तो उसमें हमको दखल लेने की कोई जरूरत नहीं है, मालूम है जाना तो है यहां से, ना काहूं से दोस्ती ना काहूं से बैर, निकल जाओ क्योंकि ये अपना घर नहीं है। यदि हम अपने आप को इस प्रकार से तैयार करें तो हमने भगवत गीता डाइजेस्ट करी है, अन्यथा इनडाइजेशन चल रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ज्ञान कॉन्स्टिपेशन। देखो इसीलिए संतो, यह जो उत्तम पुरुष है उसके तरफ ध्यान दे। आज तक कितने जागरण स्वप्न सुषुप्ति समाधि आके चले गए, इस पर भी थोड़ा सा चिंतन करें। ये जो भी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं ना, ऑटोबायोग्राफी में केवल जागृत पुरुष का ही चिंतन होता है, स्वप्न पुरुष
सुषुप्त पुरुष और समाधिस्थ पुरुष इनका कहीं रेफरेंस भी नहीं होता। हमारा जीवन केवल जागृत पुरुष नहीं है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि, जिस प्रकार से ये आप डाइजेस्ट करोगे तो प्रभु की कृपा हो गई। जिस प्रकार से हर सपने में अलग अलग स्वप्न पुरुष होता है, उसी प्रकार से हर जागृत अवस्था में अलग अलग जागृत पुरुष होता है। करो डाइजेस्ट को, या तो आप अपने स्वप्न पुरुष की जीवनी लिखो, या तो आप अपने जागृत पुरुष की जीवनी मत लिखो। क्या आधार है कि जब हर एक सपने में अलग स्वप्न पुरुष होता है तो जागृत में वही पुरुष होगा? कभी हो ही नहीं सकता। यदि वही होता तो हम बड़े होते ही नहीं। हम बड़े हुए तो जो मैं बच्चा था, थोड़ा बेवकूफ, अब बड़ा हो गया, अब बड़ा बेवकूफ। देखो संतो, इस सूक्ष्मता से रहने का तात्पर्य बड़ा सिंपल है, कोई कठिन नहीं है। जब हम केवल आज की तारीख में जीते हैं, माने ना हमारा भूत है ना हमारा भविष्य है, जब काल का खंडन समाप्त हो जाता है तब हम महाकाल के साथ एक हो जाते हैं। कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धा, ये ही पुरुषोत्तम। तो उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मेत्युदारुतः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वरः। आगे कहते हैं यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि च उत्तमः। देखो, इसीलिए मैं कौन हूं? क्षर पुरुष माने यह जगत, अक्षर पुरुष माने जीव और ईश्वर, इनसे मैं परे हूं। यस्मात् क्षर अतीतो एंड अक्षरादपि च उत्तमः, इसीलिए मुझे उत्तम पुरुष कहते हैं। यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि च उत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च, लोक में भी और वेद में भी। उत्तम पुरुष किसको कहते हैं? लोक में संस्कृत भाषा के अनुसार ले लो, उत्तम पुरुष माने मैं, और ये मैं एक होता है, मैं अनेक नहीं हो सकते। देखो, और इसीलिए इस मैं का अनेक वचन नहीं होता। मैं का अनेक वचन यह भले हम संस्कृत भाषा में प्रयोग करें, लेकिन असल में होता एक ही है। जैसे थर्ड पर्सन का तृतीय पुरुष का अनेक वचन करें तो वो तृतीय पुरुष ही रहेंगे, मध्यम पुरुष का द्वितीय पुरुष का अनेक वचन करेंगे तो वो द्वितीय पुरुष ही रहेंगे, और प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष का अनेक वचन करो, मैं का अनेक वचन हो गया हम सब। हम सब में सभी के सभी जो प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष है, वो सब एक हो गए, क्योंकि एक ही सत्य है, अनेक नहीं है। केवल कहना मात्र एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, ये केवल कहना मात्र हो जाता है, और यह उसका आधार है। क्योंकि मैं क्षर और अक्षर, इन दो पुरुषों से उत्तम हूं, अन्य हूं, इसीलिए लोक में और वेदों में भी मुझे पुरुषोत्तम कहा गया है। अच्छा महाराज, आगे कहते हैं यो माम एवं असम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमम्। यह असम्मूढः माम पुरुषोत्तमम् एवं जानाति, जो असम्मूढ़ है माने जिसमें भी कोई मोह नहीं रहा है। हमको मोह चार चीजों के बारे में होता है, एक अपने बारे में मैं कौन हूं,
दूसरा जगत के बारे में, जगत क्या है, तीसरा ईश्वर के बारे में, ईश्वर कौन है, और चौथा आध्यात्मिक साधना के बारे में, आध्यात्मिक साधना माने क्या। यो असम्मूढ़ः, जिससे ये चारों प्रकार के मोह हमेशा के लिए मिट गए हैं, देखो, और उसके लिए भगवान ने साधना बताई थी, निर्माण मोह, जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा, द्वंद्व विमुक्ता, सुख दुख संयहि गच्छन्ति अमूढ़ाः। देखो पदम अव्ययम् तत्। तो जब तक कि ये मोह का प्रभाव, मोह का ढक्कन हमारे बुद्धि से नहीं हटेगा, तब तक के हम यही यहां रोते रहेंगे, जकड़ते रहेंगे, गए मंदिर में मत्था टेका, पूजा करे, कुछ नहीं होने वाला उससे, करो आप, पंडितों का पेट भरता है, लेकिन आपका उद्धार नहीं होगा। अपना उद्धार करना है, अपने को पहचानो, यही एकमात्र बात है। इसीलिए यस्मात् यो माम एवं असम्मूढ़ः जानाति पुरुषोत्तमम्। तो जो अपने आप को, अब इसने जगत के जितने पोजेशन से संग्रह है उसका त्याग कर दिया, जितने रिलेशन से संबंध है उसका त्याग कर दिया, ये पंचकोशों के जो उतार चढ़ाव है उसका त्याग कर दिया, इस उतार चढ़ाव में रहने के कारण जो अच्छे बुरे अनुभव आ गए हैं उसका त्याग कर दिया है, अब भूत को त्यागा, भविष्य को त्यागा, इस प्रकार से त्यागे ने के अमृतत्व मानसु, धीरे धीरे इनका त्याग करते 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 हम वर्तमान, वर्तमान का तात्पर्य होना, हम वर्तमान में पहुंचे, वह वर्तमान जिसमें भूत भविष्य का भेद नहीं होता, वही परमात्मा है। इसीलिए सबसे बड़ी साधना क्या हो गई, अपने भूत के बारे में बोलो मत, किसी के भूत के बारे में पूछो मत, बहुत सिंपल बात है। यदि हमने अपने भूत को दफना दिया तो भविष्य की चिंता होगी ही नहीं, जहां भूत नहीं वहां भविष्य नहीं हो सकता। अब इसमें थोड़ा चिंतन मात्र करना, बाकी कुछ नहीं। पहला चिंतन ये है, क्या हमको भूतकाल में रहना है या वर्तमान में रहना है या भविष्य में रहना है, ये चॉइस है क्या? वी हैव नो चॉइस, रहना तो वर्तमान में ही है, तो वर्तमान में रहो, मौज में रहो। अब देखो, हम भूत भविष्य में जाते तो क्या होता है, अभी अभी का एक्सपेरिमेंट करो। 250 दिन पहले ब्रेकफास्ट में आपने क्या खाया था? अरे रामा, 250 दिन माने कितनी हो गई परेशानी शुरू। 190 दिन में आप कौन से कपड़े पहनोगे? अरे राम, पता नहीं कपड़े पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे। जहां आप भूत भविष्य में गए, आप में टेंशन आ गया, और इस समय आप ना भूत में जाओ ना भविष्य में जाओ, वर्तमान में रहो। देखो, भूत में जाओ, भविष्य में जाओ, वर्तमान में रहो। वर्तमान में जाते नहीं हम, ये उत्तम पुरुष है जो भूत का बोझा सर पे उठाता है। आपने देखा होगा ना, जिन लोगों को भूत चढ़ा रहता है उन लोगों का कैसे व्यवहार होता है, हूँ क्या हो गया, इनको भूत लग गया। हम लोगों का भी वही हाल है, जब हम बच्चे थे तब की बात थी, हम तो नंगे पैर स्कूल में जाते थे। आजकल के बच्चों को पता नहीं कितने जूते चाहिए, पैर तो दो ही है, 25 जूते लेके रखे। एक दक्षिणी घर में ये झगड़ा हो रहा था, तो वो मुझे बता रहे थे, स्वामी जी देखो, हम जब छोटे थे नंगे पैर स्कूल में जाते थे, हमारा लड़का देखो 15-20 तो जूते के पैर है, उसकी जीन कितनी पड़ी है, क्या समझाए इसको। तो लड़का भी स्मार्ट था, उसी बाप का बेटा, उसने कहा, पिताजी आप क्यों जल रहे हो, आपका बाप दरिद्री था, गरीब था, मेरा बाप अमीर है, आप क्यों जल रहे हो।
ये पुरानी बातों से कुछ नहीं निकलता। देखो ये प्रण कर लो जीवन में, अपने बारे में कभी कुछ मत बोलना। आपने बहुत बड़ी छलांग लगा ली अध्यात्म में, किसी के बारे में कुछ मत पूछना। हम लोग इंडियन है ना, जहां कोई मिला शुरू हो जाता। हाँ आप कहाँ से आए? अभी हम गए थे इंदौर में, कल एक सज्जन ने पूछा, स्वामी जी आप कहाँ रहते हो? हमने कहा आपके दिल में। ऐसी उनको गुदगुदी होने लगी स्वामी जी। देखो जो मिला सूर्य उसकी कुंडलिनी लिखना शुरू कर दी, कहाँ से आए हो, क्यों आए, कब पैदा हुए थे, काहे को पैदा हुए थे, मरने कब वाले हो, क्या जरूरत है? नो नीड। दिमाग में इतना कूड़ा करकट भर के रखा है कि वहां भगवान को घुसने के लिए जगह ही नहीं है। जब तक के दिमाग में से संसार नहीं हटाओगे तब तक के प्रभु का प्रवेश नहीं होता। देखो तो यो माम एवं असमूढ़ जानाति पुरुषोत्तमम, तो यह मूढ़ता को हमने त्याग करके जिस प्रकार से ये 15वें अध्याय में बताया है, कैसे बताया है, कहते मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहरंच, मेरे ही कारण सब अनुभूतियां संभव है, इस मैं को जानना है। ये मैं कौन है? यही जगत बना है, यही जगत में रहने वाला जीव बना है, यही जीव जगत का नियंत्रण करने वाला ईश्वर बना है, और फिर भी ये इन सब के परे है। यह है पुरुषोत्तम। इस प्रकार से जो इस पुरुषोत्तम को माने अपने आप को पहचानता है, फिर क्या होगा, स सर्वविद, उसने जो कुछ जानना चाहिए था सब जान लिया, इससे परे और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। मुंडको परिषद में प्रारंभ में विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं, अदि ही भगवान, हे भगवान हमको बताइए ऐसी क्या एक वस्तु है जिसके जानने से सब जाना जाता है, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वविदं विज्ञातं भवति इति। उस पर गुरु महाराज कहते हैं एक नहीं दो चीजें जानने जैसी है, ठीक, द्वे विद्ये वेदितव्येक परा चैवा परा च तत्र परा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद शिक्षा कल्प व्याकरणम निरुक्तम छंदम ज्योतिषमिति। चार वेद और छह षडांग यह अपर विद्या है, और परा विद्या क्या है, परा यया तत् अक्षरम अधिगम्यते, जिसके द्वारा हम अपने स्वरूप में निष्ठावान हो जाते हैं उसको पराविद्या कहते हैं। देखो इस प्रकार से यहां कहते हैं जो इस प्रकार से तत्व को जानता है स सर्वविद भजति, उसने सब कुछ जान लिया और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। और जानना ही है तो जानने का प्रयोजन भी जानना चाहिए। पहले जगत के बारे में इसलिए जानना है ताकि जान करके समझ करके इसका त्याग करे। परमात्मा के बारे में इसलिए जानना है जान करके समझ करके उसको आत्म स्वरूप से पहचान ले, ये प्रयोजन है। तो स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत, हे अर्जुन सभी भावों में वो केवल इसी आत्म स्वरूप से रहता है। देखो माने उसके माध्यम से केवल परमात्मा ही प्रकट हो रहे हैं, उसकी जो क्रियाएं हैं वो परमात्मा की विभूति है, उसके जो वचन है वो वेदों के शब्द है, उसके जो विचार है वो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। देखो इसीलिए साधु संत किसी से भी प्रेम नहीं करते, समझ लेना ठीक से, साधु संत किसी से प्रेम नहीं करते क्योंकि सबसे उनका प्रेम होता है। जब प्रेम करोगे तो गिरोगे, साधु संत प्रेम करते नहीं, उनके हृदय में सभी के प्रति प्रेम होता है और इसीलिए वो प्रेम में गिरते नहीं। देखो
तो स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। यही बात पांचवें अध्याय में भगवान कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवियस्तिनि चुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः इहैव तैः गितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ते ब्रह्मणि स्थिताः। देखो जो सब में अनेकता में जो एक का दर्शन करके उसको अपने से अन्य के रूप में नहीं पहचानता बल्कि आत्म रूप से पहचानता है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्मविद ब्रह्म ही वह भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म से अलग होकर के नहीं रह सकता। ब्रह्मविद ब्रह्म ही वह भवति का मतलब है ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है, अन्य रूप से परमात्मा को जाना नहीं जा सकता। जो भी आप अन्य रूप से जानोगे वो अपने मन की कल्पना मात्र है, कितनी भी अच्छी कल्पना हो है तो कल्पना ही। जो ज्ञान जो अनुभव आकर के समाप्त हो जाता है वह मानसिक प्रत्यय है। जो अनुभव कभी प्रारंभ नहीं हुआ, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं हुए, जिसका कभी अंत नहीं हुआ और जिसका कभी अभाव नहीं हुआ, ऐसा नित्य उपलब्ध अपना जो स्वरूप है वही सत्य है, वही पुरुषोत्तम है। ये सब बताने के बाद कहते हैं इति गुह्यतमम शास्त्रम इदम उक्तम मया अनघ। अर्जुन को यहां भगवान कहते हैं अनघ, अनघ माने निष्पाप। अघ शब्द का अर्थ साधु संत बताते हैं भोगम विना न हन्यते इति अघम। भोग के सिवा जिसका नाश नहीं होता उसको अघ माने पाप कहते हैं, अनघ माने जो निष्पाप है। निष्पाप है माने क्या, अन्यथा संतमात्मानं अन्यथा प्रतिपद्यते किं तेन न कृतं पापं चोरेण आत्मापहारिणा। जो सच्चिदानंद ब्रह्म होते हुए भी अपने आप को देह जीव मानता है, क्या इसने कोई कम पाप किया है? इस पाप से जो मुक्त है, हे अनघ कहते हैं इति गुह्यतमम शास्त्रम। देखो पूरे भगवद गीता के जितने भी श्लोक है उसमें से 15वें अध्याय को ही भगवान ने स्वयं शास्त्र का दर्जा दिया है। शास्त्र माने जिसमें ज्ञान के प्रतिपादन की परिपूर्णता आ गई है। अब इसमें और कोई ऐड नहीं करना है, जीव क्या है, जगत क्या है, गति क्या है, साधना क्या है, ईश्वर का दर्शन की प्रक्रिया क्या है, हम कौन है, ये सब का आधार क्या है, जितना कुछ उपनिषदों में शास्त्रों में वेदों में है सब का सब इस 15वें अध्याय में आ गया है। इसीलिए इति गुह्यतमम शास्त्रम, और ये कैसा गुह्यतम शास्त्र है ध्यान से सुनना। तारतम्य की प्रक्रिया होती है, तारतम्य माने इन्फिनेटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, गुड बेटर बेस्ट। गुड माने इन्फिनेटिव, उसके बाद बेटर माने कंपैरेटिव और बेस्ट माने सुपरलेटिव। उसी प्रकार से तारतम्य गुह्य शास्त्र, गुह्यतर शास्त्र और गुह्यतम शास्त्र, तीन बातें हो गई। गुह्य शास्त्र माने धर्मों में कैसा रहना, बड़ों का आदर करो, सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्याय आन्मा प्रमदः, आचार्याय धनमावृत्य प्रजातंतुम मा व्यवच्छेसी। ये हो गया गुह्य शास्त्र। गुह्यतर शास्त्र ये है कि साधना कैसी करनी है, साधना ठीक करोगे तो पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख इसी में रहोगे, इसीलिए पुण्य कर्म करो, सत्कर्म करो, स्वर्ग में जाओगे। उपासना शास्त्र जो है वो है गुह्यतर शास्त्र। तो जो कर्म शास्त्र है गुह्य शास्त्र, उपासना शास्त्र गुह्यतर शास्त्र, और आध्यात्मिक जो है वह गुह्यतम शास्त्र। देखो इति गुह्यतमम शास्त्रम,
कितनी सरल बात है, इसमें और कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं। इति गुह्यतमम शास्त्रम इदम उक्तम मयानघ। देखो भगवान की विशेषता, मैंने कहा नहीं कहा उन्होंने, मेरे द्वारा कहा गया। इसमें महत्व इस ज्ञान का है, किसने कहा इसका नहीं है। इसको कर्मणि प्रयोग करते हैं टेक्निकली टॉकिंग। देखो जब कर्तरी प्रयोग होता है उसमें मैं आ जाता है। भगवान देखो नवे अध्याय में कहते हैं मया ततमिदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना। देखो संतो ये एक बढ़िया साधना ये भी है, जब भी हम बोलते हैं ना बोलते समय यह कर्मणि प्रयोग का प्रयोग करें। एक हमारे मित्र है वो कह रहे थे कि मैंने ये किया, मैंने बताया, मैंने सबके लिए अरेंज कर दिया है, अब मैं वैसे बताऊंगा वैसे जाना। तो मैंने उनको टोक दिया, मुझे टोकने में शर्म नहीं आती। जैसे हमने मिश्रा जी को कितने बार टोका है, आज भी ये शर्मा जी कह रहे थे तो मैं सबका धन्यवाद देता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, अरे राम राम राम, उसमें वो काटो ना। देखो पूरी साधना यही है, इस मैं का बलि चढ़ाओ। काम हो गया, किसने किया ये महत्व का नहीं है, काम हुआ कि नहीं ये महत्व का है। इसीलिए भगवान के दे इति गुह्यतमम शास्त्रम इदम उक्त मया हे अनग। फिर एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्। अब देखो एतद् बुद्ध्वा, बोध का अर्थ है अनुभव। इसका जो अनुभव करेगा कृतकृत्यश्च भारत, आपके जीवन में कृतकृत्यता हो गई। कृतकृत्यता माने अब ना कुछ लेना है ना कुछ जीना है, ना जीने की तमन्ना है ना मरने का इरादा है। देखो लेट द लाइफ बी लिव्ड थ्रू, बहुत सिंपल है, कोई कठिन नहीं है। हमारा गणित क्या रहा है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स इज इक्वल टू फुलफिलमेंट इन लाइफ। यह गणित गलत है। इच्छाओं की पूर्ति से जीवन में कृतकृत्यता नहीं आती। कृतकृत्यता आने के बाद इच्छाओं को पूर्ण करने की झंझट नहीं रहती। आत्मकामस्य का स्पृहा। देखो महाराज इसीलिए इस भगवद गीता के 15वें अध्याय को बड़े सूक्ष्मता से चिंतन करते रहो, नहीं तो रोज उठ करके खाना खाने के पहले आप देखोगे आश्रम में जब खाना परोसते हैं ना तो 15वां अध्याय कहने की पद्धति है। ऊर्ध्वम् ऊनम् दशाकम्, एक जलेबी और दिया, ऊर्ध्वम् ऊनम् दशाकम् अश्वत्थम् प्राविण्यम् चन्द्रांशी ऐसे प्रणानी। और देखो भगवान हंसते होंगे ऊपर से, यार ये काय कर रहे हैं। यह चिंतन का विषय है, तत्व चिंतन का। जैसे जैसे आपकी चिंतन की प्रक्रिया सूक्ष्म होगी वैसे वैसे आप हल्के फुल्के हो जाओगे। कैसे हल्के फुल्के, जैसे आकाश हल्का फुल्का है, सबको आधार देता है, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। इसी प्रकार से हमको जहां प्रभु ने रखा है, पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर सबके आधार रहो, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित मत हो। आपने पुरुषोत्तम के प्रति जाने का मार्ग समझ लिया है, यही साधना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।